तालिबान के अत्याचारों से अफगानिस्तान के लोग अब पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। कई देशों ने अफगानिस्तान के लोगों को शरण देने की बात की है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले से ही शरणार्थियों के रूप में आने वाले संकट को भांप लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगान शरणार्थियों के ऊपर ही सवाल उठा दिए हैं। पुतिन ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के विचार को खारिज करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि आतंकवादी यहां शरणार्थी की आड़ में पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गुपचुप तरीके से कई देशों से इन अफगान शरणार्थियों को बचाने के लिए बातचीत कर रहा है। पुतिन ने कहा कि उन्हें पता चला है कि सेंट्रल एशियाई देशों में इन शरणार्थियों को भेजने की योजना बनाई गई है, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं। पुतिन जानते हैं कि अगर सेंट्रल एशियाई देशों में शरणार्थी आए तो उनके लिए आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि सेंट्रल एशियाई देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान मुख्य हैं। ये सभी देश पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सब अलग देश बन गए। रूस के इन सभी देशों से बेहद ही अच्छे संबंध हैं। आपको बता दें कि रूस सेंट्रल एशियाई देशों के निवासियों के लिए वीजा मुफ्त यात्रा की अनुमति देता है, लेकिन अब रूस अमेरिका के प्लान से चौकन्ना हो गया है। रूस को डर है कि अगर अफगानिस्तान से शरणार्थियों के भेष में आतंकी अगर इन देशों में आके बस गए तो उनके लिए रूस में घुसना भी आसान हो जाएगा। रूस ये भी जानता है कि सेंट्रल एशियाई देशों में करप्शन किस हद तक हावी है। वहां पहुंचकर किसी भी आतंकी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाना बेहद ही आसान है। कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि अफगानिस्तान में ISIS की भी मौजूदगी है। आपको बता दें कि सीरिया में ISIS के खिलाफ रूस ने एयर स्ट्राइक करके भारी तबाही मचा दी थी। तभी से ISIS के आतंकी रूस से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन पुतिन हमेशा 10 कदम आगे ही रहते हैं। इसीलिए उन्होंने शरणार्थियों के रूप में आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया है। शरणार्थियों पर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान से अब कई देश चिंता में पड़ गए हैं। जो खतरा पहले से ही पुतिन ने भांप लिया वो अब इन देशों को सता रहा है। इसी बीच अमेरिका, भारत और ब्रिटेन में अफगान शरणार्थियों के लिए वीजा प्रयासों को भी तेज कर दिया गया है। हर दिन बड़ी संख्या में अफगान नागरिक अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा और दुनिया के बाकी देशों में शरण लेने के लिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों के लिए कई देश मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं, पर रूस के इस रुख से वो अब चिंतित भी हैं और सावधान भी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.